और दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीआरएस नेता के कविता की कोर्ट में पेशी होनी है। राउत एवेन्यू कोर्ट में दोपहर 12 बजे के कविता की पेशी होगी। ईडी की रिमांड बढ़ाने की मांग कोर्ट के सामने हो सकती है। के कविता बहुत अहम कड़ी है। कहा यह भी जा रहा है कि के कविता ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिसके बाद कार्रवाई अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंची। हो सकता है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं जो ईडी के सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि के कविता हो सकता है कि सरकारी गवाह बन जाए। ऐसे में के कविता की आज कोर्ट में पेशी होगी और ईडी की कोशिश एक बार फिर से के कविता की रिमांड लेने की होगी और वहां से फिर जांच की प्रक्रिया जो है वो ईडी की टीम से और आगे बढ़ाई जाएगी। तो आज के दो बड़े घटनाक्रम, एक तरफ अरविंद केजरीवाल से ईडी की टीम पूछताछ करेगी, कड़ाई से पूछताछ होगी, सवालों के जवाब लेने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ के कविता की आज रिमांड खत्म हो रही है तो उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, राउत एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होगी और यहां पर एक बार फिर से ईडी की कोशिश है कि जब 12 बजे उनकी पेशी हो तो फिर कस्टडी को और बढ़ाया जाए और समय लिया जाए इन्वेस्टिगेशन को लेकर। कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही है कि ईडी हो सकता है कि के कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बैठा कर भी पूछताछ करे। वो साउथ वाला जो ट्रेल है पूरा इस घोटाले से जुड़ा हुआ, इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन ईडी की टीम लगातार बढ़ाती जा रही है और फिलहाल बहुत अहम हो सकता है जब के कविता से और अरविंद केजरीवाल से पूछताछ आगे बढ़े। अब आज के कविता की पेशी है, केजरीवाल ईडी की रिमांड में है, तो आज केजरीवाल के साथ क्या क्या हो सकता है, अब आपको ये ग्राफिक्स के जरिए हम बताने की कोशिश करते हैं। अरविंद केजरीवाल जिनकी दो रातें ईडी की कस्टडी में बीत चुकी है, आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनसे पूछताछ होनी, तो क्या क्या हो सकता है रिमांड में जानिए। केजरीवाल और सिसोदिया को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है, अरविंद केजरीवाल और के कविता की भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है, पूरे कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश की जा सकती है। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल, हो सकता है कि तीनों को एक साथ बैठा दिया जाए और एक साथ ही इन तीनों की पूछताछ हो। ईडी केजरीवाल का सामना दूसरे आरोपियों से भी करवा सकती है क्योंकि 16 गिरफ्तारियां हो चुकी है, 16वें नंबर पर गिरफ्तार होने वाले शख्स हैं अरविंद केजरीवाल। तो हो सकता है कि जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हो उन लिंक्स के साथ अरविंद केजरीवाल का आमने सामने रूबरू बैठाकर सवाल जवाब हो और इसीलिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, दो बड़े घटनाक्रम आज ईडी की कार्रवाई को लेकर, एक तरफ तो के कविता की कोर्ट में पेशी जहां पर ईडी की रिमांड मांगी, ईडी रिमांड मांग सकती है कोर्ट से, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होनी है। अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ होगी वो कितनी इंपॉर्टेंट, किन क्वेश्चनार्स को तैयार किया गया ईडी की ओर से? गौरव, बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल के साथ पूछताछ का आज पहला दिन होगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल से जो भी पूछताछ होगी उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जो है वो संरक्षित रखी जाएगी। अरविंद केजरीवाल से जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाने हैं वो मनी ट्रेल को लेकर है। दरअसल साउथ लॉबी को एक्साइज पॉलिसी में मनमाना फायदा पहुंचाने के लिए जो किकबैक लेने का आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और विजय नायर के ऊपर सामूहिक तौर पर लगा है, उसका ट्रेल पहचानना ज्यादा कठिन ईडी के लिए एक टास्क है क्योंकि इसमें से कुछ पैसों के हवाला रूट का पता तो लगा है क्योंकि इनमें से 45 करोड़ को गोवा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया और 4 रूटों के जरिए इन पैसों को गोवा तक भेजा गया था, लेकिन बाकी बचा हुआ पैसा जो कि घूस देकर भी कमाया गया वो भी पीएमएलए एक्ट के तहत आएगा। दूसरा, इसके अलावा किस तरीके से विजय नायर, जिसको दाहिना हाथ बोला गया ईडी के रिमांड कॉपी में, वो लोगों को धमकाता था, एक्साइज पॉलिसी में साइन करने के लिए कहता था, ये सारी बातें पूछी जानी और के कविता से क्या बातचीत हुई थी, हो सकता है इन सारे डॉक्यूमेंट और दस्तावेजों को लेकर भी कन्फर्म कराया जाए। ईडी ने यह भी कहा कि उनके पास कॉल रिकॉर्ड्स और चैट्स भी मौजूद थे, बहुत महत्वपूर्ण होगा। दूसरी तरफ के कविता की 7 दिनों बाद आज दोबारा ईडी रिमांड लेने की कोशिश करेगी क्योंकि कानून के मुताबिक अधिकतम 14 दिन रिमांड मिल सकती है, तो बाकी दिनों में अपनी पूछताछ और जांच को ईडी बढ़ाने की कोशिश करेगी।